Hello learners, welcome to our channel. This is a PYQ, again a PYQ of June 2024 जो recently exam हुआ था. चलिए start करते हैं. This is the data structure का question है, recurrence relations का, but easy है. Just value put करनी थी और हम answers निकाल सकते थे. Here is a K. ये आपको एक फंक्शन दे दिया गया है, यहाँ वैल्यू दे दी गई है. फंक्शन एफ वन इज इक्वल टू 7 और एफ एन इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, सो इज अ रेकरेंस रिलेशंस वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लाइक द पॉजिटिव इंटीजर, राइट, 1, 2, 3 ना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव. देन इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है. ठीक है, एफ टू की पावर के इज इक्वल टू व्हाट. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, एक मिनट, वही इरेज कर लेती हूँ. स्टार्ट करते हैं. एफ ठीक है, तो यहाँ पर हम f की वैल्यू 2 के पूछ रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे, हमें f 1 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो 2/2 जब हम करेंगे तो वी कैन गेट व्हाट, f 1 की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी गिवन. So what we are do next step is equal to 38, right? तो ये हमारे 1 से गेट हुआ. तो जब हम, ठीक है, जब हम यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, आइदर 7 और आइदर 38. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ से तो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करनी है. 5 की वैल्यू, मैंने k की वैल्यू 0 पुट करी है फर्स्ट, एंड देन वी गेट व्हाट. तो पहले इसको कंक्लूड करेंगे, 5 की पावर 0 है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, 31/4 -3/4 इक्वल टू 28/4 इक्वल टू 7. सो 7 आ रहा है, यस आ रहा है. ओके, नेक्स्ट हम इसी को ही पुट करके देखेंगे 1 पर, बाद में करेंगे, पहले अदर सॉल्व करते हैं. k की वैल्यू 0 पुट करनी है, 9/4, तो यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, है ना, तो 29/4 आपका 7 पॉइंट कुछ आया, तो 7 नहीं आया, दिस इज़ नॉट आर आंसर. नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं, 2 की पावर 0, 31/4 -3/4 आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए, 28/3 इक्वल टू 7. यस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना. नेक्स्ट देखते हैं, 2 की पावर 0, 20, ये वही बात हो गई, 7 पॉइंट कुछ आया, क्योंकि 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, सो दिस इज़ नॉट. सो अब हमारे पास ट्राई हो गया, आइदर 1 और 3. ठीक है, तो अभी हमने k की वैल्यू क्या पुट करी थी, 0. अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे 1, हमें आंसर क्या मिलेगा. सो अभी हम देखते हैं, 1 पुट करते हैं, 3/4 -3/4 इक्वल टू 5 इंटू 31/4, राइट, सो इक्वल टू व्हाट, -3/4 इक्वल टू व्हाट. समझ में आया कैलकुलेशन कैसे की, होपफुली समझ आ ही गया होगा. आंसर इज 38. यस, यहाँ पे भी हम जब सॉल्यूशन कर रहे हैं एन में, तो हमें 38 मिल रहा है ना. जब 1 से कैलकुलेशन किया तो 7 मिला. ठीक है, 1 से कैलकुलेशन किया, 1 से, तो 7 आंसर मिला. अभी हमने जब एन से किया, एन से यानी 1 की वैल्यू डाली पुट 2 की वैल्यू, तो नंबर एक्सटेंड ही होंगे आगे की कितना जा रहा है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि हमें 38 मिलता है या नहीं मिलता है. सो कलर चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1,
31/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 62/4 माइनस 3/4 इक्वल टू व्हाट? 59/4 आपका आ जाएगा 14.3 है ना, 3 का आपका 7 आ जाएगा है ना पॉइंट कुछ. सो दिस इज नॉट, हमें 38 नहीं मिल रहा है. सो आंसर इज व्हाट? 1. क्लियर द पॉइंट? समझ में आया कैसे आया? बहुत सिंपल है, इजी है, जस्ट वैल्यू पुट करना. एग्ज़ाम में क्या होता है, लैक ऑफ टाइम की वजह से हम अपना माइंड यूज़ नहीं कर पाते, तो हमें रहता है कम टाइम है, बहुत सारे सम्स हैं, वो करना है, तो लैक ऑफ टाइम, उस टाइम पे टाइम लैक लगता है. तो हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है टाइम टू टाइम, ताकि हम कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.